वैक्सीन के बारे में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा इसका पूरा खाका दिया है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो भैया केंद्र सरकार का वादा था कि दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ डोजेस यानी 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। अब दिसंबर तो निकल गया है, 2022 आ गया है, तो क्या 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन यानी 216 करोड़ डोजेस लोगों को लग गई हैं? जी नहीं। हम नेट पर देखते हैं, सर्च करते हैं तो पता चलता है कि 145 करोड़ से ऊपर ही कुछ वैक्सीन लग पाई हैं। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। पैसा बर्बाद पे। अब क्योंकि समय निकल गया है, सरकार ने जो एक और वादा किया था वो पूरा नहीं किया है, तो राहुल गांधी जी ने जरा सरकार को याद दिला दिया कि आपने एक और वादा किया था जो आपने पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार का वादा था कि 2021 के अंत तक सबको दोनों डोज वैक्सीन लगाएंगे। आज साल का अंत है, देश अब भी वैक्सीन से दूर, एक और जुमला चकनाचूर, हैशटैग वैक्सीनेट इंडिया। तो भैया जो पिछले 7 सालों में और भी वादे पूरे नहीं हुए तो एक और सही, जैसे 15 लाख, 2 करोड़ बेरोजगार, अर्थव्यवस्था, डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती, महंगाई, भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या, तो एक और वादा और सही। और जहां तक बात रही 145 वैक्सीन के डोजेस लगाने की, उसका तो भरपूर क्रेडिट जहां लेना है वहां ले ही रहे हैं। ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये है करके ये टीका आया, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो। मजा आया। दोस्तों वैक्सीन लगाना किसी भी सरकार की एक जिम्मेदारी होती है किसी भी महामारी के समय। अब उसका भी क्रेडिट लिया जा रहा है, ये तो पहली बार ही देखने को मिल रहा है। पहले भी कई सरकारें आई, अलग अलग महामारी आई और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और वैक्सीन लोगों को लगवाई, लेकिन जिस तरीके से अब क्रेडिट लिया जा रहा है पहले शायद नहीं लिया गया। अतीत में जितनी महामारियां फैली कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं माननीय कौशिक जी। ये हमारी बाहों पर बने ये चवन्नी जैसे निशान ये दर्शाते हैं कि अतीत में भी ऐसी बीमारियां आई और उस समय की सरकारों ने बिना प्रचार के मुफ्त में पूरे देश के लोगों का टीकाकरण किया। एक चीज का क्रेडिट जो ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं ले रहे हैं वो है कोरोना महामारी को फैलाने का, उसके संक्रमण को फैलाने का अपनी रैलियों के द्वारा। चाहे कांग्रेस हो, सपा, बसपा, भाजपा या दूसरी पार्टियां जहां चुनाव हैं, सब लगातार रैली कर रहे हैं और पूरे स्ट्रेंथ पर रैली कर रहे हैं। अब इसका जो रिजल्ट है वो आने वाले 2-3 महीने में तो दिखेगा ही, और उसका जो भुगतान है वो जनता ही भुगतेगी, ना कि ये नेता। तो हुजूर फरमाते हैं, चाहे पूर्वांचल हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, ब्रज या पश्चिम, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा मय है। तो भैया जल्द ही कोरोना मय भी हो जाएगा, जिसके पूरे तरीके से जिम्मेदार आप और आपके साथ की जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो होंगे, उसका क्रेडिट कोई नहीं लेगा। और तब सड़कों पे उतरकर इस तरीके से जनता के बीच में बिना मास्क के कोई मदद करने भी नहीं आएगा। अभी बिना मास्क के हजारों लाखों लोगों के बीच रैलियां तो हो रही हैं, तो दिन में तो हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर रैलियां हो रही हैं, और उसी दिन के शाम को टीवी पर आकर कोरोना के ही ऊपर ज्ञान भी पिलाया जाता। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। मित्रों, ये मुरादाबाद में और फिर अपनी थोड़ी नेतागिरी चमकाने के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा ताकि बच्चे पढ़ ना पाएं, क्योंकि अगर पढ़ जाएंगे तो केरला जैसा शिक्षित राज्य बन जाएंगे, और केरला जैसा अगर शिक्षित राज्य बन गए तो फिर वहां पर कुछ ऐसा ही हाल होगा। ये देखिए, नेता तो हमें बेवकूफ बनाएंगे ही, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और इन रैलियों में ना जाएं। कम से कम दूसरों के लिए ही नहीं, अपने ही लिए ना जाएं, अपने परिवार के लोगों के लिए ना जाएं, क्योंकि जो भयावह तस्वीर 2021 में देखी वो अब ना ही देखने को मिले तो बेहतर है। इसमें नेता लोग तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, आप ही लोगों को निभानी होगी। बाकी जनता से तो बस इतनी सी गुजारिश है कि मन हो तो वैक्सीन लगवा लेना, क्या ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।